अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूं कि जहां भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आएँ हमारे साथ इंजॉय करें। और बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से, तो उन्हें यही होता है कि क्या सारी छुट्टियां हम घर में ही गुजार देंगे, तो उनकी खातिर कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है। तो ये भी सडन ही प्लान किया, एक दिन पहले भी फाइनल था लेकिन ना जा सके। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से पार्क वगैरह का प्लान नहीं बनाया और पैकेजेस वैसे भी करीब ही है और बहुत टाइम से गए भी नहीं थे। तीन दिन में ही निकले ताकि टाइमली वापस आ सकें और यहाँ पर लाइन में लग के चेकिंग वगैरह करवाई पर्स की और फिर अंदर गए। तो अब्दुल हादी चूँकि साथ थे तो इसलिए लिफ्ट का ही इंतखाब किया कि इससे जाना आसान हो जाएगा। और फूड कोर्ट के लिए लिफ्ट में गए लेकिन सबसे ऊपर पहुंच गए, तो फिर वहां जाके वापस नीचे फूड कोर्ट में आए। तो यहां पर देखें फूड कोर्ट में ही सबसे ज़्यादा रश है और बच्चों वाली फैमिलीज ही ज़्यादा आई हुई थी, तो सभी अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हुए थे। तो ये जी फूड कोर्ट में ऊपर प्ले लैंड जो है बच्चों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ था, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बच्चों की दिलचस्पी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ तमाम फूड चेन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। KFC में, मैकडोनल्ड में बहुत रश था और बहुत देर से बारी आ रही थी। इंतखाब तो हमारा भी KFC ही था। उससे पहले जाके इतने रश में अपने लिए टेबल जो है वो तलाश करना भी एक मुहिम थी जो फाइनली सर कर ली गई और बैठ के इसके इंटीरियर को एक नज़र सराहा गया। आपको भी दिखाई, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ करीब रहते हैं और बहुत ज़्यादा पैकेजेस जा चुके हैं तो वो हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि जी पैकेजेस में नहीं मजा आता, इंपोरियम जाना चाहिए। तो मैं ये कहती हूं कि जब कोई घर से आउटिंग के लिए निकलेगा तो वो खुद ही अपने लिए एंजॉयमेंट का सामान पैदा कर लेगा। दूर दूर से लोग यहां पर आके एंजॉय करते हैं तो करीब वालों को भी एंजॉय करने का पूरा हक है। तो हम भी एक राउंड लगाने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर आए। यहाँ पर तमाम टॉप ब्रांड्स मौजूद हैं और उन पर इतना रश नहीं था, ऊपर ही फूड कोर्ट में ही ज्यादा रश था। दैट मीन्स के लोग ज्यादा एंजॉय करने के लिए ही आए हुए थे, बच्चों को घुमाने के लिए ही आए हुए थे। इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे बहुत फीवर है तो उतने जोश से मैं अपना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही। जब पीछे से सुनती हूँ तो मुझे खुद ही उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो चलें, माजरत है आप सबसे भी, इंजॉय करें हमारे साथ साथ पैकेजेस का राउंड। पहले जब मैं आई थी मेरा ख्याल है इस गेट से मैंने नहीं देखा, दूसरी तरफ वाला सारा देखा था। तो चलें इस बहाने इस तरफ की सैर भी हो गई और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद थी। मैंने बच्चों से कहा भी कि आप लोग खुद चक्कर लगाएं, मैं इतना चल नहीं पाऊंगी, लेकिन वो बज़िद थे कि आप हमारे साथ चलें। तो बस ये सेकंड फ्लोर पे घूम के ही मैंने कहा नहीं भी, इससे ज़्यादा चलना अब मेरे लिए मुश्किल है, मुझे आप वापस जाने दें, नीचे वाले फ्लोर पर आप खुद ही चक्कर लगाएं। और जी इन मसाज मशीनों को इंजॉय करते हुए और कोलिश ऊपर से भी आपको दिखाया, बहुत खूबसूरत मुझे इनका स्टाइल लगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बताया कि मैंने मॉल्स वगैरह का चक्कर लगाया है, चूँकि बैठने का ही इशू होता है तो मुझे ये होता है कि यहाँ पर रहने ही दें, तो लेकिन बच्चों की ज़िद के पीछे कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर पूरे सेकंड फ्लोर का राउंड लगाने के बाद बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें और ब्रांड्स इंजॉय करने के बाद मैं ऊपर चली गई और बच्चे वहाँ से सेकेंड फ्लोर को खूब अच्छी तरह इंजॉय करने के बाद उसके राउंड को कंप्लीट किया, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ गए। ग्राउंड फ्लोर को देख के इंजॉय करके ऊपर हमारे पास आए। तब तक KFC में रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अब्दुल हादी फेडअप हो चुके थे, क्योंकि उनको अब ये था कि या तो घर वापस चलें तो या मुझे किसी और जगह लेके चलें। तो आजकल अपनी मम्मा से ज़्यादा उदास हुए हैं तो जल्दी जल्दी रोने लग जाते हैं, तो हमें यही था कि कहीं इसने रोना शुरू कर दिया तो ये खामोश नहीं होगा। तो इसीलिए फिर हमने यही फ़ाइनल किया कि यूं करते हैं घर चलते हैं, घर जाके ऑर्डर कर लेते हैं। जिंगर बर्गर खाने का प्लान था बच्चों का, तो घर जाके जिंगर बर्गर ऑर्डर किए और खूब मज़े से इंजॉय किए और ये पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएँ और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।